Hello everyone, welcome to online classes. Our today's topic is from class 10. This is the book Golden Rings and the chapter is The Tale of the Bishnois. This is the fourth chapter of the book. Let's start. As I say that we should come to know about difficult words. So this is our glossary of this chapter. Let's start. Stunted. Stunted means not fully developed, यानी जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है. Incredibly, incredibly होता है hard to believe, जिस पर बहुत मुश्किल से विश्वास किया जाए. Groves, groves है small wood or plantation, छोटा सा wood कह सकते हैं, जंगल का एक छोटा सा भाग या plantation जहाँ पर बहुत ही हरी भरी वनस्पति उगी हुई हो, उसका छोटा भाग. Foliage, foliage है plant leaves कलेक्टिवली या लीफेज, यानी पत्तियाँ कह सकते हैं, पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं छोटे पेड़ पौधों की वो. मराउडिंग, मराउडिंग मीन्स गोइंग अबाउट इन सर्च ऑफ थिंग टू स्टील, रेडिंग, अटैकिंग, किसी चीज़ की तलाश. थिंग टू स्टील, चुराने के लिए, रेडिंग करने के लिए या अटैक करने के लिए किसी चीज़ की तलाश करना. कंकॉर्ड, कंकॉर्ड मीन्स कैप्चर्ड या विजय किया हुआ, जिसको जीत लिया है. स्वे, स्वे मीन्स रूल या कंट्रोल, जिससे जिस पर अपना शासन होता है, कंट्रोल होता है. एंटीलोप्स, एंटीलोप यानी ब्लैक बक एनिमल लाइक अ डियर, डियर के जैसा एक एनिमल होता है, हिरन चिंकारा जैसे ब्लैक बक. हॉर्स, हॉर्स मीन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड जिसे भीड़ भी कहते हैं हम, तो झुंड कहते. यहाँ पर जानवरों के लिए आया है हॉर्स, यानी झुंड, जानवरों की झुंड को भी कहते हैं. नेक्स्ट रिट्रीटेड, रिट्रीटेड मीन्स मूव्ड बैक या विथड्रू, यानी वापस पीछे जाना या विथड्रू करना, वापस बैक होना, चले जाना. इन्वेडर्स, इन्वेडर मीन्स इनक्रोचर्स, यानी जो ज़बरदस्ती घुसने वाले, घुसपैठिए. कंक्वेस्ट, कंक्वेस्ट मीन्स विक्ट्री यानी विजय. लीड, लीड होता है मूविंग विद ईज, यानी जो इजीली मूव हो जाए, बहुत ही लचीला जिसे कह सकते हैं हम. इंथ्रॉलिंग, इंथ्रॉलिंग मीन्स होल्डिंग वंस अटेंशन या ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर, रोमांचित, जिस पर अट्रैक्शन, हमारा अटेंशन लग जाए, एक बार होल्ड हो जाए. डिजास्टर्स, डिजास्टर मीन्स एन इवेंट रिजल्टिंग इन ग्रेट लॉस एंड मिसफॉर्च्यून, एक ऐसी घटना जिसका परिणाम बहुत ही बड़ा लॉस हो या मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य होता है. आपदा, हिंदी में वर्ड कहते हैं हम इसे आपदा, विपत्ति भी कह सकते हैं. ड्रॉट, ड्रॉट यानी शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, बारिश की बहुत कमी होना, जब बारिश की कमी होगी तो ड्रॉट होगा, सूखा, हिंदी वर्ड है सूखा. हैक्ड, हैक्ड मीन्स कट यानी चॉप करना भी कहते हैं. ब्राउज, ब्राउज मीन्स लीव्स एक्सेट्रा फॉर ईटिंग, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ वगैरह होती हैं, यानी शेष भाग, उसे कहते हैं जो जानवरों के खाने की काम आया जाता है, लिया जाता है, ब्राउज उसे कहते हैं. नेक्स्ट, सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द फोर्थ चैप्टर द टेल ऑफ द बिश्नोईज. दिस चैप्टर इज बिलोंग टू द वेल नोन स्टोरी अमृता देवी. हम जानते हैं अमृता देवी को, उनसे रिलेटेड ये कहानी है. बट पहले हमें यहाँ वेस्टर्न राजस्थान का इंट्रोडक्शन दिया है कि यह वेस्टर्न है, राजस्थान है, यहाँ पर राठौड़ वगैरह जो वंशज हैं उनकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई है. और जम्भाजी, जम्भाजी जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय बनाया, तो उनके बारे में भी इंट्रोडक्शन है, और उसके बाद में ये स्टोरी अमृता देवी की आएगी. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे मारवाड़ इज अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स. आज वर्तमान में मारवाड़, जोधपुर वगैरह प्रदेश है, मारवाड़ प्रदेश, वो कैसा है, ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स, सिर्फ मिट्टी और चट्टानों का वेस्ट एरिया है, वृक्ष विहीन, जिस पर पेड़ भी नहीं है. The only growing thing are thorny shrubs, a few tufts of short rough grass, and an occasional stunted bare or bubble tree.
यहाँ पर है द ओनली ग्रोइंग थिंग, मात्र जो उगने वाली चीजें हैं वो क्या है, थॉर्नी श्रब्स कांटेदार झाड़ियाँ हैं, फ्यू टफ्ट टफ्ट यानी गुच्छे बंच ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, छोटी छोटी और बहुत ही रफ घास की गुच्छे उगते हैं। रेगिस्तान में एरिया में अगर हम जाएंगे तो देखते हैं कि घास एक साथ बहुत सारे एरिया को कवर नहीं करती है, थोड़े 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 स्थान पर घास के गुच्छे जैसे होते हैं, तो वो टफ्ट है। एंड एन ओकेजनल स्टंटेड बैर एंड बबूल ट्री, और कहीं कहीं पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैर और बबूल के पेड़ भी हैं जो भी हाफ डिवेलप्ड है। बट इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट कम अक्रॉस द ओल्ड ऑड विलेज विद ग्रोव्स ऑफ वेल नोन खेजरी ट्री। लेकिन इनक्रेडिबली, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते एक बार में, लेकिन हम कर करें, इनक्रेडिबली यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट, इस ऐसे डेजर्ट में भी, ये विश्वास करने वाली बात है, जिस पर मुश्किल से विश्वास होता है, जिस पर कम अक्रॉस द ऑड विलेज विद ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री, ऐसा गांव भी है जहां पर खेजड़ी के बहुत ही अच्छे विकसित और अच्छे उगे हुए, पूर्ण रूप से उगे हुए खूब सारे पेड़ हैं। दिस कजन ऑफ द बबुल इज द कल्प वृक्ष, ये बबुल का ही एक कजन है, यानी बबुल की ही प्रजाति का वृक्ष है खेजड़ी, और इसको यहाँ का कल्प वृक्ष कह कहते हैं। एंड द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेज, कल्प वृक्ष का मतलब है एक पेड़, ऐसा पेड़ जो हमारी सारी विशेज को पूरा करता है, तो खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। अ फुल ग्रोन कैमल कैन इंजॉय अ मिड डे सिएस्टा इन इट्स शेड, एक पूर्ण विकसित ऊंट इसकी छाया में दोपहर के समय सिएस्टा ले सकता है, यानी कुछ आराम कर सकता है। इट्स फॉलीज नरिशेस गॉड शीप कैटल एंड कैमल, इसकी फॉलीज इसकी पत्तियों से पोषण मिलता है गॉड शीप कैटल और कैमल, जो यहाँ वेस्टर्न मारवाड़ की वेस्टर्न राजस्थान की मेन जो कैटल है जानवर है उनको नरिश करता है, ये पालन पोषण करता है इनके पत्तियों से। और इट्स पॉट कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी, और इसकी पॉट्स फलियां, खेजड़ी की फलियां होती हैं, इनसे बहुत ही डिलीशियस करी भी बनाई जाती है, सब्जी बनती है इसकी। एंड इट्स थॉर्न गार्ड द फार्मर्स फील्ड अगेंस्ट मराउडिंग एनिमल्स, और इसके जो कांटे होते हैं, कांटेदार हैं ये, तो कांटे भी फार्मर के फील्ड को, यानी किसानों के जो खेत होते हैं उसके चारों तरफ कांटे की बाउंड्री बनाई जाती है, तो ताकि वो क्या हो, मराउडिंग एनिमल्स जो इधर उधर घूमने वाले आवारा जो जानवर हो वो उनके खेतों में घुसे नहीं, उनकी फसलों को नुकसान न पहुंचाए, तो इसलिए खेजड़ी के कांटों से किसान लोग अपने खेत के चारों तरफ बाउंड्री बनाते हैं, यानी हर तरह से ये पेड़ लाभदायी है, हर चीज़ हर पार्ट इसका हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए इसको राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। वंस अपॉन अ टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट कंक्वर्ड द वास्ट टेरिटरी ओवर विच इट होल्ड्स दैट टुडे, एक बार की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का डेजर्ट यानी रेगिस्तान, जो रेगिस्तानी एरिया है अभी, हैड नॉट येट कंक्वर्ड द वास्ट टेरिटरी, अभी भी पूर्ण रूप से इसको जीता हुआ नहीं था, विस्तृत रूप से इसका जो विस्तृत साम्राज्य है उसको जीता हुआ नहीं था, ओवर विच इट होल्ड्स वे टुडे, जो साम्राज्य अभी इस पश्चिमी राजस्थान का जितना फैला हुआ है, जिनका साम्राज्य इस एरिया में है वर्तमान में, वो किसी समय नहीं हुआ करता था, उनके द्वारा जीता हुआ नहीं था। इवन दो द क्लाइमेट वॉज द सेम एज इट इज़ ट्रू, कि क्लाइमेट तो वही था जैसा आज है, यहाँ इस एरिया का क्लाइमेट तो वही था जो आज है। द लैंड वॉज कवर्ड बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्री, लेकिन अभी जहाँ पर बिल्कुल पेड़ कहीं कहीं पर दिखाई देते हैं, लेकिन उस समय ये एरिया हजारों की संख्या में खेजड़ी वृक्ष से ढका हुआ था। एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ बैर कैर एंड सांगरी, और यहाँ की जो मेन वेजिटेशन है उनसे पूर्ण रूप से ये ढका हुआ था, पूर्ण बहुत पर्याप्त मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में बैर कैर और सांगरी यहाँ पर पनपती थी। दीज प्लेन्स वर होम्स टू थाउजेंड ऑफ एंटीलॉप ब्लैकबर्ग चिंकारा एंड नीलगाय, और इन यहाँ के मैदान
एंटीलॉप, ब्लैकबक, चिंकारा, नीलगाय इनके होम हुआ करते थे। यानी बहुत मात्रा में, भारी मात्रा में ये सब जानवर भी यहाँ पर दिखते थे, अब तो बहुत कम दिखाई देते हैं। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्रिबल भील, और इसी एरिया में आदिवासी भील रहते थे। अबाउट 3000 ईयर अगो, लगभग 3000 वर्ष पूर्व, हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर बिगिन टू पावर इन टू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। हजारों 3000 साल पहले झुंड के झुंड, हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर, मवेशी पालक जो थे, पशु पालकों के झुंड आने यहाँ पर शुरू हो गए। और वो आए कहाँ से? वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से, इस मारवाड़ एरिया में आने शुरू हो गए। सम ऑफ देम स्प्रेड इन टू मारवाड़, इनमें से कुछ मारवाड़ में फैल गए। The hills resisted their encroachment. अब जो भील यहाँ पर पहले थे, जिनका यहाँ इस एरिया में साम्राज्य था, उन लोगों ने इस उनके पशुपालकों के encroachment यानी अतिक्रमण को रोका। But the invader had horses and superior weapons. लेकिन ये जो आक्रमणकारी थे, उनके पास में घोड़े थे और बहुत ही superior, बहुत ही बड़े बड़े आधुनिक हथियार थे। एंड प्रेटी सोन, और बहुत ही जल्दी टुक केयर ऑफ द भील्स, उन लोगों ने भीलों को पीछे पछाड़ दिया, पीछे छोड़ दिया यानी हरा दिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर बाउंडलेस एंड द भील रिट्रीटेड अ लिटिल मोर टुवर्ड द अरावली। और किसी भी तरह, इन एनी केस, किसी भी प्रकार, द लैंड अपीयर बाउंडलेस, ये एरिया पूरा बाउंडलेस हो गया। पहले बाउंड घिरा हुआ था, अब ये बाउंडलेस हो गया। एंड द भील रिट्रीटेड अ लिटिल टुवार्ड द अरावली, और अब यहाँ से भील थोड़ा सा आगे निकल गए अरावली की पहाड़ियों की तरफ। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वॉज ऑन द इंक्रीज, अब मारवाड़ की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। बट एज सेंचुरीज पास्ट, लेकिन कुछ शताब्दियाँ जैसे ही गुजरी, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, यहाँ की वेजिटेशन इतनी अच्छी थी तो उसको, या वे जो पशुपालक आए थे तो उनकी भी संख्या बढ़ी, तो उनकी वजह से यहाँ की वेजिटेशन बहुत ही अफेक्ट हुई। द सीडलिंग एंड सैपलिंग वर ग्रेज डाउन, सीडलिंग्स और सैपलिंग, जो छोटे छोटे पौधे, जो अंकुरित पौधे, छोटे छोटे प्लांट, वो सब यहाँ से उन जानवरों के द्वारा ग्रेज कर लिए जाते थे, चर लिए जाते। एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, और फिर उनके उगने के बहुत ही कम चांसेस होने लगे, वनस्पति उगने के। इन्वेडर्स एंड द ट्रिबल भील फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, जो इन्वेडर थे, ये आक्रमणकारी बाहर से आए थे, जो घुसपैठिए वो, और ट्रिबल भील्स फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्व्स, उनके पास अब उनके लिए सस्टेन करने के लिए बहुत ही कम से कम चीज उनके पास रहने लगी। फाइनली द 13th सेंचुरी AD saw the final conquest of the भील्स by the राठौड़ ऑफ कन्नौज, और फिर धीरे धीरे 13वीं शताब्दी में आखिरकार इन भीलों को राठौड़, कन्नौज के राठौड़ों के द्वारा जीत लिया गया। द राजपूत नाउ रूल्ड द होल ऑफ मारवाड़, और अब पूरे मारवाड़ पर राजपूतों का शासन हो गया। इन द ईयर 1451 AD, 1451 की बात है, उस वर्ष, ड्यूरिंग द रीन ऑफ राव जोधा जी के राज्य में, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग, जो राव जोधा जी कौन थे, एक बहुत ही बहादुर राठौड़ राजा थे। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर, और उनके पीपासर गांव में एक अद्भुत बच्चे का जन्म हुआ। हिज फादर वॉज द हर्डमैन ठाकुर लोहर, एंड हिज मदर वॉज हमसा देवी, उनके पिताजी ठाकुर थे और उनकी माताजी का नाम हमसा देवी था। द बॉय वॉज कॉल्ड जम्बाजी, जम्बाजी उस बच्चे को कहा जाता था। एज अ लिटिल बॉय ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ कैटल एंड शेव, छोटे बच्चे जब वो थे तो उनको एक टास्क दिया गया, कार्य दिया गया कि वो अपने पिता के कैटल और शिप को ध्यान रखेगा, उनको चराने के लिए लेके जाएगा। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल आउट ग्रेजिंग, लाय इन द शेड ऑफ अ खेजड़ी ट्री, और उनके लिए खेजड़ी वृक्ष की छाया में
सोखते हुए इन जानवरों को ग्रेजिंग करते चरते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगता था उनको, जम्बा जी को। एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ द ब्लैक बर्ग, और उन ब्लैक बर्ग्स के हर्ड्स को, झुंड को देखना भी अच्छा लगता। जम्बा जी वॉज फैसिनेटेड बाय द लीथ ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलॉप। और ये जो एंटीलॉप होते थे उनके लीथ मैंने लचीलापन, उनके शरीर का जो लचीलापन होता था उसको देखना उन्हें बहुत ही पसंद आता। एंड थॉट दैट देयर वॉज नो साइट मोर एंथ्रॉलिंग दैन अ फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग। और वो ये सोचते थे कि वेल ग्रोन स्टैग, उन स्टैग की फाइटिंग के दृश्य के अलावा दुनिया में कोई दूसरा दृश्य एंथ्रॉलिंग नहीं है। एंथ्रॉलिंग मतलब रोमांचित करने वाला कोई दूसरा दृश्य इस दुनिया में नहीं है। जो दृश्य कौन सा होता था? दो स्टैग की फाइटिंग का। When जम्बा जी was 25 year old, a great disaster overtook. जम्बा जी जब 25 वर्ष के थे तो एक बहुत ही भयानक डिजास्टर, विपत्ति, आपदा आई, overtook the whole region, पूरे राज्य में ये फैल गई। The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether. और जो कुछ थोड़ी मात्रा में बारिश रेगुलर आती थी वो भी आनी अब बंद हो गई। द वर्स्ट सफरर वर द कैटल, और इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था मवेशियों पे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, इस सूखे के, जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा, तो सूखे के पहले वर्ष में दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउसेस। घर के अंदर लोगों ने जो बाजरे की स्ट्रॉ, घास, बाजरे की जो पीछे बचा हुआ जो भाग होता है, बाजरे का भुट्टा तोड़ने के बाद पीछे जो उसका बचा हुआ रहता है डंडी वगैरह, उस पूरे भाग को लोग अपने घर में इकट्ठा करके रखते थे ताकि अपने जानवरों को खिला सके। तो एक साल तो ये खा के काम चला। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, लेकिन दूसरा वर्ष बहुत बुरा हुआ। देर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं पर भी घास की एक पत्ती भी खड़ी नहीं दिखाई दी। पीपल हैक्ड एट एनी ट्री दे कुड फाइंड, और वो लोग जो पहले हरे पेड़ों को नहीं काटते थे, अब ऐसी कंडीशन आई कि जो भी पेड़ मिलता था उस पेड़ को वो हैक करते काट देते। एंड फेड द एनिमल ऑन द लीव्स, और उसकी पत्तियों पर जो आश्रित रहने वाले जानवर उनको खाना खिलाते। बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ग्राउस फॉर ऑल द हंग्री एनिमल, लेकिन इतना करना भी सारे भूखे जानवरों के लिए पर्याप्त नहीं था। एंड द ड्रॉट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और ये ड्रॉट पूरे लगभग 8 साल लगातार रहा। People had hacked the last bit of foliage from all the tree. अब लोगों ने पेड़ों की अंतिम भाग तक, last bit of foliage from all the tree, सारे पेड़ों की अंतिम से अंतिम भाग को भी काट डाला। Which finally began to dry up, जो पेड़ अब लगभग सूखने शुरू हो गए। When the stored grain was exhausted, people ate khichdi pots. और जब अंत में आखिरकार स्टोर्ड ग्रेन जो अनाज लोगों ने इकट्ठा कर रखा था वॉज एग्जॉस्टेड, वो ख़त्म हो गया, तब क्या हुआ? पीपल एट खेजड़ी पॉट, लोगों ने खेजड़ी की फलियां खानी शुरू की। जो अभी तक जानवरों के काम आ रही थी आज वो लोगों के काम आ रही थी। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड बेर सीड्स, और जो सूखे बेर के बीज होते हैं, बेर होते हैं बेर, तो उनके सूखे बीजों के आटे से भोजन बनाना शुरू किया। When this too was exhausted, और आखिर में जब वो भी ख़त्म हो गया, तब they tore the bark of the सांगरी tree and powdered and cooked it, तब उन्होंने सांगरी पेड़ को काट डाला और उसका पाउडर बनाया और फिर उसको पकाया, उसको खाया। They hunted every one of the starving blackbird. And finally, they abandoned all hope and migrated in masses. They hunted every one of the starving blackbird. हर भूखे मरते हुए blackbird को वो ढूंढते थे, खोजते थे वो। And finally, they abandoned all hope. और आखिरकार उनकी सारी आशाएं छूट गई।
त्याग दी, उन्होंने गिव अप कर दिया एंड माइग्रेटेड इन मासेस, और भीड़ की भीड़ यानी झुंड के झुंड वहां से माइग्रेट करने लगी, वहां से वो स्थान छोड़ के जाने लगे। टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ कैटल पेरिश्ड ऑन द वे, बहुत सारी जानवर इसी रास्ते इसी तरह आगे चलते रहे, मतलब माइग्रेट होते रहे। बाय नाउ द होल कंट्री वॉज बैरन, और तब तक पूरा ये एरिया बैरन हो गया था, बंजर हो गया था। देयर वॉज नॉट अ ट्री इन साइट फॉर माइल्स टुगेदर, मीलों मीलों तक कहीं पर भी पेड़ों का कोई दृश्य नज़र नहीं आता था, कहीं पेड़ दिखाई नहीं देता था मीलों तक। नॉर अ सिंगल काउ और ब्लैक बक, ना ही कोई गाय और ना ही कोई वहाँ पर ब्लैक बक, कोई ऐसा एरिया था कभी जम्बा जी जहाँ पर जाते थे अपनी जानवरों को चराने के लिए, तब कितना अच्छा होता था, और अभी जहाँ कोई पेड़ नहीं कोई जानवर नहीं, ऐसा बन गया था एरिया। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंड लॉर्ड लाइक जम्बा जी फादर विद ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा दैट सम हाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स। द ओनली पीपल, मात्र वही लोग टू होल्ड ऑन पर जो वहाँ पर रुके हुए थे, वो कौन लोग थे? बिग लैंड लॉर्ड्स लाइक जम्बाजी फादर, बड़े बड़े जो जमींदार वगैरह होते थे जम्बाजी के पिताजी के जैसे, वो वहाँ पर रुके हुए थे अभी भी। विद ह्यूज स्टोर ऑफ बाजरा, जिन लोगों के पास बाजरे का बहुत बड़ा भंडार था इकट्ठे कर रखे थे, दैट सम हाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स, जो किसी तरह उनके इस मुसीबत के समय में उनके अंत तक काम आया था। तो जिस लोगों ने बाजरे को स्टोर करके रखा था, जो जमींदार थे, वो लोग अभी तक वहाँ पर रुके हुए थे, बाकी सब लोग वहाँ से जा रहे थे। जम्बा जी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, जम्बा जी भी इस सूखे से बहुत ही प्रभावित हुए, मतलब दुखी हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस, कई रातें कितनी ही रातें उन्होंने जाग जाग के निकाली, बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सॉ अराउंड हिम, क्यों जागते थे? क्योंकि इतना कष्ट लोगों का, जानवरों का, फिर धरती का, इतना कष्ट वो अपने चारों तरफ देखते थे रोज, और उसको देख देख के उनको नींद नहीं आती थी, तो इस तरह उन्होंने जाग जाग के रातें निकाली। द डाइंग कैटल, वो मरते हुए जानवर कैसे दृश्य होते थे उनके सामने, डाइंग कैटल, भूखे मरते प्यासे मरते जानवर, स्टारविंग चिल्ड्रन, भूखे मरते बच्चे, द हंटेड हिम, दे हंटेड हिम डे एंड नाइट, वे उनको हंट करते थे, हॉन्ट करते थे दिन रात, वो उनके चारों तरफ वो दृश्य मंडराते रहते थे, इसलिए उनको नींद नहीं आती। एंड फाइनली एट द एज ऑफ 34, आखिरकार 34 की एज में ही हैड अ विजन, उन्होंने एक सपना देखा। ही सॉ मैन इंटॉक्सिकेटेड विद हिज ओन पावर, उन्होंने देखा कि मानव अपनी खुद की शक्ति से इंटॉक्सिकेट होता है, यानी मदमत हो जाता है, मदमस्त हो जाता है अपनी ताकत में, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, और अपनी ताकत के दम पर वो इतना मदमस्त हो जाता है कि वो पूरी दुनिया, पूरी जो दुनिया है उसके चारों तरफ उसको वो नष्ट करने लगता है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उसने निश्चय किया कि वो ये सब बदलेगा। इजोलेट, इस वीरान जो एरिया है उस एरिया में वापस नवजीवन संचार करना है, तो जम्बा जी सॉ दैट मैन वुड हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वे, तो जम्बा जी ने देखा कि भाई सभी लोगों को जो यहाँ रहते हैं उनको अपना जीवन बिल्कुल अलग तरीके से जीना होगा, एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड बिलीव, और उनके जो विश्वास है, जो मत है, जो वो भी उनको चेंज करने होंगे, उनके हिसाब से उनको जीना पड़ेगा। जम्बा जी वॉन्टेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजरी बेर केयर एंड सांगे ट्री, जम्बा जी वॉन्टेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन, जम्बा जी चाहते थे कि एक बार फिर से पूरी पृथ्वी कवर हो जाए बाय एन अबंडेंस ऑफ खेजरी बेर केयर एंड सांगरी, खेजरी बेर केयर सांगरी के पेड़ों से पूरी पृथ्वी पूर्ण रूप से वापस भर जाए, खूब सारे पेड़ हो जाए मतलब। तो ही वॉन्टेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बर्ग्स ऑफ टू फ्रॉलिक अगेन, वो चाहते थे कि हाँ ब्लैक बर्ग्स के झुंड आते रहें, उछल कूद करते रहें। एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस, और वो चाहते थे कि इन दृश्यों को वापस अगर पाना चाहती हो तो उसके लिए मानव को काम करना होगा।
जम्बा जी न्यू द वे टू अचीव दिस और जम्बा जी को रास्ता पता था कि किस तरह हम यहाँ पर जा सकते हैं. एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485. इसलिए उन्होंने अपने मैसेज को, इस संदेश को कि वे पृथ्वी को वापस हरा भरा बनाना है, वापस यहाँ पर जानवरों की झुंड लाने हैं, तो उन्होंने इस मैसेज को पूरा ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया, प्रचार प्रसार करना शुरू किया था 1485 से. थैंक यू. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. सो प्लीज सब्सक्राइब.